मेरठ में एक बार फिर तेंदुए की दहशत है। शुक्रवार सुबह से पल्लवपुरम इलाके में दहशत का माहौल है। रिहायशी इलाके में तेंदुए की एंट्री से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सुबह एक घर में तेंदुआ दिखा, इसके बाद लोगों में खौफ है। तेंदुए का तांडव तस्वीरों में कैद भी हुआ। लोगों की सूचना पर पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर है, लेकिन तेंदुआ अब तक पकड़ में नहीं आ पाया है। घनी आबादी वाले पल्लवपुरम फेज टू में एक घर के पास 8 फीट ऊंची दीवार को फांदते हुए तेंदुआ देखा गया था। इसके बाद घर के लोग बाहर आए। कॉलोनी में तेंदुए को देखकर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हम आपको दिखा दें कि DFO राजेश कुमार टीम के साथ में है, पूरे इलाके को वो अपनी मौजूदगी में जाल से कवर करवा रहे हैं। DFO का कहना है कि घनी आबादी के बीच इस तेंदुए को रेस्क्यू कराने के लिए प्लानिंग के साथ थोड़ा वक्त लगेगा। एक बार वो वन विभाग के जाल में फंस गया था, लेकिन 5 मिनट तक जाल में रहा तेंदुआ अपनी चालाकी से निकल भागा, जो अब वन विभाग के लिए एक मुसीबत बन रहा है। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस प्रशासन और वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम ने जाल बिछाया, लेकिन तेंदुआ उसे तोड़कर भाग निकला। कैमरे में कैद तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि दोनों तरफ घर और बीच में तेंदुआ दौड़ रहा है। DFO राजेश कुमार ने बताया है कि पल्लवपुरम फेज टू में तेंदुआ होने की सूचना मिली है, जिसे पकड़ने की कोशिश जारी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम ने तेंदुए की घेराबंदी की। उसे पकड़ने के लिए मकान के बाहर जाल भी लगाया था, लेकिन 10 मिनट तक जाल में फंसने के बाद तेंदुआ वहां से भाग निकला और कॉलोनी के पास एक प्लॉट में छिप गया। तेंदुए को देखने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी मौजूद है। कुछ साल पहले भी मेरठ में आदमखोर तेंदुए ने आतंक मचाया था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया था। पिछले 4 घंटे से मेरठ के पल्लवपुरम इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। तेंदुआ फिलहाल कॉलोनी के एक प्लॉट में छिप गया है। इस प्लॉट की वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर ली है। तेंदुए को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पूरे इलाके में दहशत और डर का माहौल है।